रंगरा के मंद्रौनी गांव में देखा गया भारत का सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर। रंगरा चौक प्रखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के किनारे मंद्रौनी गांव के पास भारत का सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर देखा गया। सांप काफी लंबा और मोटा था। उक्त स्थल पर सांप का देखा जाना ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय है। बड़ी संख्या में लोग सांप को देखने पहुंचे थे। ग्रामीण उक्त सांप को अजगर प्रजाति का सांप कह रहे थे, लेकिन सांपों के जानकार लोगों ने कहा कि उक्त सांप अजगर नहीं बल्कि यह भारत का सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर है। जानकार बाबा विस्फोटक निषाद ने कहा कि इसकी पहचान करना काफी आसान है। यह सांप अपने शिकार को देखते ही सिकुड़ जाता है और प्रेशर कुकर की सीटी की तरह आवाज करने लगता है। ग्रामीणों को इस सांप से बचने की आवश्यकता है। कभी कभी अपने इलाके में भी इस सांप को देखा जाता है। ग्रामीण स्तर से मामले की सूचना वन विभाग के पदाधिकारियों को दे दी गई है। भवानीपुर गांव में चाय पीने के क्रम में हुए विवाद में किशोर को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल। मदन अहिल्या कॉलेज के सामने एक चाय दुकान पर चाय पीने के क्रम में हुए विवाद में भवानीपुर निवासी मनकेश्वर शाह के पुत्र 17 वर्षीय गौतम कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। गौतम को जांघ में गोली लगी है। गौतम ने पुलिस को बताया है कि उसने अपना इलाज एक निजी चिकित्सक के यहाँ करवाया है। गौतम के परिजनों का कहना है कि वह चाय पीने के लिए मदन अहिल्या के कॉलेज के सामने वाले एक चाय दुकान पर गया था, जहां सोहरा निवासी सौरभ यादव पहले से चाय पी रहा था। चाय पीने के क्रम में गौतम और सौरभ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और सौरभ ने गौतम पर गोली चला दी। गोली गौतम के बाएं जांघ में लगी है। गौतम ने घटना की बाबत थाना पहुंचकर लिखित शिकायत की है। डंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि युवक की स्थिति ठीक ठाक थी, फिर भी उसे इलाज कराने की सलाह दी गई है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस घटना की छानबीन करने में जुट गई है। थानाध्यक्ष ने कहा कि अगर वास्तव में गौतम को गोली लगी है तो गोली मारने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। रबी फसलों के ठंड एवं कीट प्रबंधन को लेकर शिविर का आयोजन। रंगरा प्रखंड क्षेत्र के तिनटंगा दियारा पंचायत अंतर्गत भीमदास टोला में पायोनियर कंपनी द्वारा रबी की फसलों मक्के एवं गेहूं में ठंड एवं कीट फसल प्रबंधन को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के अधिकारी सुजीत कुमार झा के द्वारा किसानों के बीच इसके बचाव के लिए विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया भुवनेश्वर मंडल, सरपंच योगेंद्र मंडल, किसान मदन मंडल, बुल्ले मंडल, अरुण यादव, नीरज मंडल, संजीव मंडल के अलावे अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। साधोपुर गांव में मारपीट, युवक घायल। रंगरा थाना क्षेत्र के साधोपुर गांव में हुई मारपीट में प्रेम कुमार के पुत्र दिव्यांशु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उसका इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। दिव्यांशु का आरोप है कि वह अपने घर में बैठा था, इसी बीच विमल यादव समेत उसके अन्य पड़ोसी लाठी डंडे के साथ आ धमके और गाली गलौज करने लगे। जब उसने विरोध किया तो सबों ने मिलकर उसकी जोरदार पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि मारपीट करने वाले लोगों ने छिनतई भी किया। दिव्यांशु का आरोप है कि जाते जाते आरोपियों ने थाने में केस ना करने अन्यथा जान मारने की धमकी भी दी है। रंगरा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।